किसानी अंदोलन के हक च बोलण ते भाजपा आगू अनिल जोशी नूं भाजपा वल्लों 6 साल लई पार्टी चों बाहर कर दिता गया सी। जिस तों बाद अनिल जोशी ने कहा सी कि ओह हुण किसानां दी हिमायत च किसानी अंदोलन च वी जाणगे। जिस दे चलदे अनिल जोशी अज अपने समर्थकां दे नाल सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होण पहुंचे। उत्थे उन्हां ने पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं कहा कि किसानां दे हक विच बयान देण ते उन्हां दी हाई कमांड भाजपा वल्लों उन्हां नूं 6 साल लई पार्टी चों बाहर कर दिता है कि उन्हां वास्ते एक गोल्ड मैडल दे रूप विच इह साबित होवेगा। अगे उन्होंने कहा कि अज उह अपने समर्थकां दे नाल सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंचे ने अते गुरु चरणां अगे अरदास बेनती करन आए ने कि जल्द ही किसानां दा मसला हल होवे। अते नाल ही उन्होंने कहा है कि जदों तक किसानां दा मसला हल नहीं हो जांदा उह किसी पार्टी नूं ज्वाइन नहीं करनगे। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨ ਅੱਜ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ खून पसीना दे के मेहनत की सी पार्टी दे जो मेरी कंट्रीब्यूशन सी वो तुहानू पता ही है। 2-4 दिन पहला 2 दिन का नोटिस उस तो बाद जो प्री प्लैंड सी जबकि मैं पार्टी नूं बचाउण दी गल करदा पिया सी। चलो जो आ वो बहुत गल्लां हो गईयां, बहुत इंटरव्यू दे लिया। अज मैं धन धन श्री गुरु रामदास जी दे चरणां दे विच हरिमंदर साहब दे विच नतमस्तक होण आया, आशीर्वाद लैण आया, गुरु महाराज के चरणों अरदास की है भी सोझी दो, ताकत दो, जिहड़े मुद्दे उठाए आ उन्हां वास्ते लड़ सकीए, पंजाब वास्ते खड़े हुए हैं। मैं हमेशा ही कहा मैं माण है मैं पंजाबी हाँ तो मैं अपने पंजाबी होने का जिहड़ा वा वो इत्थों दा पानी पीता, अन्नदाता दा पैदा किया अन्न खाधा, तो उहदा मैं जे थोड़ा जिहा भी ऋण मुड़ पाया तो मैनू बहुत खुशी है इस गल की। हुण मैं अज मैं हरिमंदर साहब आया, हुण मैं दुर्गियाणा मंदिर जाना ते इस तों बाद 2 दिन मैं बाहर जाना भगवान वाल्मीकि जी दे तीर्थ भी जाके मैं नतमस्तक होना, तो वह 3-4 दिन बाद जिहड़ा वा वो असी पूरा प्लैन करके साथियों के नाल भगवान वाल्मीकि जी के चरणों के भी अरदास करनी है क्योंकि प्रभु है तो एक ही सारा, कोई जोत आ उहदे अगे आशीर्वाद ही लैना, नतमस्तक होना, उन्होंने चरणों के समर्पण करना अपना आप कि जिस तरह इतों तक लैके आए या अगे भी जड़ा कोई भी नवा रस्ता वा जो पंजाब की सेवा वा जो लैनी है वह रस्ता जिहड़ा वो दिखाउण गुरु महाराज आप प्रभु आप विखावे। तो नाल ही ये आ सच्चाई दी जिहड़ी आ जंग जिहड़ी आ उहदे च हमेशा आशीर्वाद रखे, हमेशा परमात्मा जिहड़ा वो अंग संग रहे मेरे ते मेरे साथियों दे। ते नाल ही मैं ये संकल्प भी इत्थे करदा कि मैं पंजाब पंजाबी ते पंजाबी अवत वास्ते ते पंजाबी मुद्दियां वास्ते जिहड़ा वा अपना तन मन धन जो मेरी जान भी है वह समर्पित करूँगा, हमेशा ही करूँगा। यही मैं अरदास की है तो यही मैं भाई साहब जी अगले कल का तो पता नहीं, तो 6 साल बाद की गल करते पे जे किसी कोई अंदाजा भी कल की होना, इस करके उन्हूं अरदास की है भी जो भी जिन्ना भी समा जिन्हें भी साह दिते है वह सच्चाई दे नाल चंगे मार्ग दिते लवाओ साढ़े को, यही अरदास है। मैं जदों मेरी कल गल हुई थी श्री डॉक्टर दर्शनपाल जी दे नाल परसों आए सी इत्थे, तो मैं खुद उन्होंने कहा सी उन्हें सिर्फ उस दिन परसों इत्थे माझा संघर्ष कमेटी जिहड़ी आ इनवाइट भी करके गई सी, तो कल मेरी डॉक्टर दर्शनपाल जी ने उन्होंने गल करवाई सी, तो मैं यही कहा सी कि मैं सिर्फ तुहाडे तम्मल नूं तुहाडी पेशेंस नूं तुहाडे जज्बे नूं सलाम करन आउणा, तुहानूं नमस्कार करन आउणा। मेरी कोई इच्छा नहीं स्टेज ते जाण दी, मेरी कोई इच्छा नहीं है भी कल नूं कोई मैनूं कहे भी मैं पोलिटिकल फायदा लैण गया उत्थे, मैं 1% भी नहीं वो जिहड़ा वा ना
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ।